नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ कि प्रेशर कुकर से हम बबल रिमूव कैसे करेंगे और कुकर को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे बनाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे हाथ से अपने पंचिंग करना है। अभी जैसे मैं पंचिंग करने वाला हूँ, पंचिंग का तरीका कोई बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है और यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर थोड़ा सी भी अगर हमारी पंचिंग अगर बिगड़ गई तो आप बबल रिमूवर मशीन से भी बबल नहीं निकाल सकते, अगर हमारी पंचिंग अगर ख़राब अगर हो गई तो। इसलिए पंचिंग की तरफ पहले ध्यान देना और पंचिंग अच्छे से करना। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपने हाथों से पंचिंग करने वाला हूँ। ये जो टच है ये उसी टच है, इसमें ऑलरेडी पहले से उसी लगा है तो मैं अलग से यहाँ पे उसी नहीं लगाया। और दोस्तों मैं कोई फेक ट्रिक नहीं बताता, एकदम रियल बताता हूँ, जो करके देखता हुआ बताता हूँ मैं आपको, और मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता, एकदम रियल बनाता हूँ। तो दोस्तों ऐसे आपको धीरे 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 चिपकाते हुए जाना है। यहाँ पे दोस्तों मेरे हाथ से थोड़ा पंचिंग बिगड़ जाती है, मैं आखिरी में उसका रिजल्ट दिखाऊँगा कि अगर पंचिंग अपने हाथों से बिगड़ गई तो क्या होता है। ये दूसरा फोल्डर दोस्तों, मैं दूसरा फोल्डर बना रहा हूँ अपनी लाइफ में पहली बार। इसके पहले और एक फोल्डर बनाया मैंने, उसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं आए थे, एकदम क्लियर हुआ था, बिल्कुल बढ़िया। इसी 4A मॉडल का, और ये 4X है, मैंने 4A मॉडल का कॉम्बो बनाया था, बिल्कुल भी वहाँ बबल्स नहीं आए। कुकर में डाल के मैंने बबल्स निकाले। यहाँ पे दोस्तों इस डिस्प्ले में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, मैं पंचिंग बराबर नहीं कर पाता और धीरे धीरे सीखूंगा दोस्तों। अभी पहली बार है, दूसरी बार अभी कर रहा हूँ तो धीरे धीरे सीख जाऊँगा। ऐसे ही आपको भी सीखना है, धीरे धीरे एक दो काम आपके बिगड़ेंगे, बाद में धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। अगर आप अच्छे से पंचिंग करोगे तो आपके जो बबल्स है, जो हल्के हल्के जो दिखते हैं, जो क्लियर नहीं दिख पाता, वो हट जाएगा आपके कुकर में। आपको 5 लीटर का कुकर लेना है, 5 लीटर के कुकर में आपको बस ये हमारी जो मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल की जो ट्यूब होती है उसमें जो टुल्ली लगी रहती है जहाँ से हवा भरते हैं, वो वाली टुल्ली निकाल के लाना है, ख़राब किसी भी ट्यूब से निकाल के। और आपका जो कुकर होता है, कुकर में जो जहाँ पर सीटी लगती है वहाँ पे एक होल होता है, उस होल के ऊपर आपको गैस वेल्डिंग के जरिए सोल्डर कर देना है उस टुल्ली को, जो ट्यूब में लगी रहती है हवा भरने वाली टुल्ली, उसे वहाँ पर आपको सोल्डर कर देना है। दोस्तों कुकर के अंदर में जितनी जगह है उतनी आप कॉम्बो फोल्डर भर सकते हैं और एक ही बार में बबल रिमूव कर सकते हैं। जितनी जगह है उतनी फोल्डर आप अंदर डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं पंचिंग कंप्लीट हो रही है और वहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ गया मेरे हाथों से, और यहाँ पे ये बाद में भी नहीं निकल पाएगा, थोड़ा सा वहाँ से मेरे से बिगड़ गया है। तो भाई पंचिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, पंचिंग अगर बिगड़ गई तो भाई बबल कोई भी निकाल नहीं सकता, 50,000 की मशीन भी नहीं निकाल सकती। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम एयर कंप्रेसर मशीन कैसे बनाएं, हमारे जो पास जो एयर कंप्रेसर का जो हंडा होता है वो कैसे बनाएं, तो दोस्तों हमारे पास जो खाना पकाने का स्टोव होता है, हम लोग उसे स्टोव बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, उसमें जो केरोसिन डालते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं और फिर उसमें 2-4 पंप लगाते हैं और फिर उसमें आग लगा के स्टोव जलाते हैं और खाना पकाते हैं। तो दोस्तों उस स्टोव में एक टंकी लगी रहती है, उसमें हम हवा भी भरते हैं और मिट्टी का तेल भी डालते हैं। तो वो वाली टंकी के जरिए हम एयर कंप्रेसर बना सकते हैं। वहाँ पे बकायदा बिल्कुल मीटर वगैरह लगेंगे और वहाँ पे एयर कंप्रेसर भी दिखाएगा, एयर का प्रेशर दिखाएगा, कितना कुकर में एयर गया है और कितना प्रेशर है, वो सब कुछ दिखाएगा उसमें। अगर आप चाहते हैं वो कैसे बनाते हैं, कैसे हम बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसे भी बना कर दिखाऊँगा, स्टोव खरीद के लाऊँगा और उसमें भी बना कर दिखाऊँगा। उसमें दोस्तों आपको बार बार हवा भरने की ज़रूरत नहीं, आप एक बार हवा भर दोगे तो 4-5 बार उसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने मशीन के ऊपर मैंने हीट करने के लिए रखा है और इसे थोड़ी देर हमें हीट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किस तरह से सोल्डर किया है, मैं कुछ दूसरा सोचा था इसलिए यहाँ पे थोड़ा लंबा पाइप लगाया मैंने बीच में, जो कि गैस सुधारने वाले जो होते हैं, गैस का सिगड़ी सुधारते हैं, उनके पास वो पाइप मिल जाता है, वैसे पाइप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टुल्ली को सोल्डर कर सकते हैं। और ये दोस्तों मेरा पंप है, ये पंप दोस्तों मैंने 700 रुपये का लिया और ये कुकर जो है 650 रुपये का है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं डाल दूंगा और अभी हवा भरने वाला हूँ।
तो दोस्तों अगर आपको इस्टो से एयर कंप्रेसर अगर बनाना है इस्टो की टंकी से, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं वो भी आपको बनाकर दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ 5 मिनट तक के अगर आप रख दोगे तो आपके बबल्स रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पे 5 मिनट के बाद जब आप उसका ढक्कन खोलोगे तो ढक्कन में भाप दिखेंगी, एकदम ठंडी वाली भाप दिखेंगी, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद, प्रेशर की वजह से, एयर का प्रेशर जो होता है, हवा का प्रेशर, उससे ठंडी ठंडी भाप दिखेंगी। यहाँ पर दोस्तों मैं शुरुआत में 20 तक के ही करता हूँ। इसके पहले भी मैंने एक कॉम्बो बनाया, तो पहली बार बनाया मैंने, और मैंने सिर्फ 20 का ही टेम्परेचर रखा, एयर टेम्परेचर जो है, एयर का जो प्रेशर, वो मैंने 20 तक के ही रखा था। लेकिन 30-35 तक के आप रख सकते हैं, 30-35 में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं बबल गया है, और हम इसे 30 तक के और भी लेके जाएंगे। मैंने दोस्तों इसके पहले एक कॉम्बो बनाया, तो उसमें मैंने सिर्फ 20 तक के ही प्रेशर रखा और पूरे के पूरे बबल्स निकल गए, क्योंकि मेरी जो पंचिंग थी वो पंचिंग बहुत ही बढ़िया हो गई थी, अच्छी पंचिंग हुई थी, इसलिए 20 तक के मैंने एयर कंप्रेसर रखा, तो उसके पूरे के पूरे बबल्स निकल गए और एकदम क्लीन हो गया फोल्डर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोस्तों डिस्प्ले, ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, तो हमें इस बीच में पंप मारते रहना है, क्योंकि हमारा जो कुकर है वो हल्का लीक है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का अगर खरीद के लाते हैं तो हो सकता है वो लीक बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों जैसे ही आपके 5 मिनट हो जाएंगे और आप कुकर का ढक्कन खोलोगे, तो कुकर का ढक्कन खोलने से पहले आपको उसकी हवा खोल लेनी है, हवा निकाल लेनी है, जैसे हम टायर की हवा निकालते हैं वैसे हवा उसकी निकाल लेनी है, उसके बाद ही ढक्कन खोलना है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा वाला बबल जो था, जो मैंने पंचिंग सही से नहीं की, इसलिए वो रह गया, और वो दोस्तों 50,000 की मशीन भी वो बबल्स नहीं निकाल पाती अगर हमारी पंचिंग अगर बिगड़ गई तो। 50,000 की जो मशीन होती है बबल रिमूवर, वो भी नहीं निकाल पाती अगर पंचिंग बिगड़ गई तो। इसलिए दोस्तों पंचिंग पर ध्यान देना। आप देख सकते हैं यहाँ पर बबल दिख रहा है एक कोने में, और साइड में जो आप एक इमेज देख रहे हैं वो मैंने पहली बार जो किया था वो उसका है, उसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं आए थे, क्योंकि मैंने पंचिंग सही से किया था, और इसमें थोड़ा पंचिंग में गड़बड़ हो गई थी, इसलिए यहाँ पे एक साइड में बबल्स रहा, और वो बबल्स दोस्तों मशीन में भी नहीं निकलता। 50,000 की अगर मशीन लेते हैं उसमें भी बबल्स वो नहीं निकलेगा, और फिर से दोबारा पंचिंग करना पड़ेगा और फिर से बबल रिमूव करना पड़ेगा, इसका यही एक सोल्यूशन है। इसलिए पंचिंग अच्छे से करो तो सक्सेस रहेगा काम। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद दोस्तों।